हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी बाइक लेकर आप अपनी मोटो व्लॉगिंग चालू कर सकते हैं। तो वैसे तो आप कोई सी भी बाइक के थ्रू मोटो व्लॉगिंग चालू कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यही बाइक लेनी है। और मोटो व्लॉगिंग करने के लिए मेन चीज़ आपको चाहिए एक हेलमेट और एक्शन कैमरा, जिसके थ्रू आप रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छी स्क्रीन शेयर करनी है और एक अच्छी स्पोर्ट्स बाइक के थ्रू अपनी मोटो व्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप सुपर बाइक नहीं ले सकते तो फर्स्ट चॉइस है आपके पास R15 वर्जन 3, जो कि अभी की टाइम की बेस्ट बाइक है, बेस्ट स्पोर्ट्स बाइक है, जिसके थ्रू आप मोटो व्लॉगिंग चालू कर सकते हैं। यदि आप R15 खरीदते हैं तो आपको माइलेज भी अच्छा खासा मिल जाएगा और बाइक भी बहुत ही पावरफुल और दिखने में भी बिल्कुल सुपर बाइक जैसी है, तो उसके थ्रू आप मोटो व्लॉगिंग चालू कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं तो आप सुजुकी गिक्सर SF 250 या 150 ले सकते हैं, जो कि अभी न्यू वर्जन लॉन्च हुआ है। वो भी दिखने में काफ़ी क्लासी है, माइलेज भी आपका अच्छा निकाल देगी और थोड़ा सा आपका लुक सुजुकी हायाबुसा का भी आ जाएगा, क्योंकि उसी कंपनी के, तो एक 1-2% आपको उसका लुक मिल जाएगा और लॉन्ग टूर पे आपके लिए अच्छी रहेगी। और यदि थर्ड नंबर की बात की जाए तो मैं आपको बोलूँगा कि आप CBR 150 या CBR 250 के थ्रू भी अपनी मोटो व्लॉगिंग चालू कर सकते हैं। दोनों ही बाइक बेस्ट है, लेकिन यदि आपका बजट थोड़ा कम है तो आप CBR 150 के थ्रू अपनी मोटो व्लॉगिंग चालू कर सकते हैं। CBR 250 में फ़र्क ये पड़ेगा कि उसकी पावर थोड़ी और बढ़ जाएगी और लंबे टूर में आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। और अगर बात आती है फोर्थ नंबर पे, और यदि आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा KTM RC 390 या Duke 390, जिसके थ्रू ऑलरेडी बहुत सारे मोटो व्लॉगर्स हैं जो मोटो व्लॉगिंग करते हैं, वो भी लॉन्ग टूर के लिए, और पावरफुल बाइक है, तो उसके थ्रू भी आप मोटो व्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। और यदि आपका बजट ठीक ठाक है और आप सुपर बाइक जैसी फीलिंग चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा निंजा 300, जो कि बेस्ट बाइक है इस कैटेगरी में। अराउंड 3-3.5 लाख आपको उसकी प्राइस पड़ती है, और आपका यदि इतना बजट है तो आप वो बाइक ले सकते हैं। मोटो व्लॉगिंग के लिए वो बाइक बेस्ट है और काफ़ी अच्छी स्क्रीन शेयर होगी उसके थ्रू। तो ये है वो 5 बाइकें जो मैं आपको बता सकता हूँ जिसके थ्रू आप मोटो व्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन यदि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं और आपका बजट ज़्यादा नहीं है, तो मैं यही कहूँगा R15 वर्जन 3 आपके लिए बेस्ट है, जो इस कैटेगरी में सबसे सस्ती बाइक है। और यदि आप वो भी नहीं ले सकते तो ऐसी पल्सर और ऐसी बहुत सारी बाइक है जिसके थ्रू आप मोटो व्लॉगिंग कर सकते हैं। और मोटो व्लॉगिंग करने के लिए बाइक ही सब कुछ नहीं है, ज़रूरी ये है कि आप क्या टॉपिक शेयर कर रहे हो, क्या डिस्कशन कर रहे हो लोगों के साथ, कितना उनको एंटरटेन कर रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और यही वो सारी चीज़ें जो मायने रखती है मोटो व्लॉगिंग करते समय। तो जब भी आप मोटो व्लॉगिंग करें तो पहले डिस्कस कर लीजिए आपस में कि आप क्या टॉपिक शेयर करने वाले हो और लोगों को कैसे एंटरटेन करने वाले हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एंड में मैं आप सभी को यही कहूँगा कि यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। Please subscribe and press the bell icon.